यूपी के रामपुर में मढ़ैया नादरबाग स्थित कांशीराम कॉलोनी में प्रशासन द्वारा अपात्रों से आवास खाली करवाए गए। जी हां, सोमवार को चले इस अभियान में 20 अपात्रों से आवास खाली करवाए गए। प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस बल को देखकर कांशीराम कॉलोनी में हड़कंप मच गया। वहीं कांशीराम कॉलोनी के आवासों पर अपात्रों द्वारा कब्जे कर लिए गए हैं। कुछ लोगों के आवास होते हुए जांच अधिकारियों को गुमराह करके आवास पत्र कर लिए गए। शिकायत मिलने पर पुनः जांच करवाई गई और कांशीराम कॉलोनी में लिए गए आवास के पट्टे को निरस्त कर दिया गया है। कांशीराम कॉलोनी के 160 आवासों पर अपात्रों से कब्जा मुक्त करवाया जाना है। एडीएम जगदम्बा प्रसाद गुप्ता, तहसीलदार प्रमोद कुमार, ईओ पालिका डॉक्टर इंदु शेखर मिश्रा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। पूरे दिन चले अभियान में कागजों का मिलान करते हुए 20 अपात्रों से आवास खाली करवा लिए गए हैं। ईओ पालिका ने बताया कि संपत्ति अधिकारी की रिपोर्ट के बाद अपात्रों को नोटिस जारी किए जाएंगे। मोहम्मद इब्राहिम है, 13 बटा। इब्राहिम, एक बात ये बताओ, कब से आपको फ्लैट मिला हुआ है ये, और आज जैसे कि आपका सील किया गया? जी जी। तो क्या मामला, क्या कमी रही जो आपका फ्लैट सील किया गया? सर ये कह रहे हैं कि इसमें रहना खाना नहीं हो रहा कुछ भी। अब मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं दिन में काम पे जाता हूँ, शाम में आ जाता हूँ। मेरे पास इतनी माली हालत नहीं है कि मैं इसमें डेंडिंग पेंडिंग कराऊँ। तो ये कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। इस बेस पे ना तो मैंने किराए पे मकान दिया, ना कुछ दिया। इन लोग का प्रेशर था कि हमें दे दो मकान, हमें दे दो। मैंने किसी को किराए पे नहीं दिया, तो इस वजह से मेरे मकान में उन्होंने ताला डलवा दिया। आप मौके पे मौजूद थे जिस टाइम पे? ना, मैं दवाई लेने गया हुआ था। जैसे ही मैं आया तो उन्होंने इस मना कर दिया कि नहीं, आपके यहाँ ताला लगेगा। मेरी एक नहीं सुनी, डीएम साहब ने, किसी ने, अधिकारी ने नहीं सुनी। आपके ही ब्लॉक वाले ये बोल रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप ताला नहीं खोलते हो, काफी सालों से ताला बंद रहता है, तो कहाँ तक सही मानते हो? क्या मैं दिन में तो काम पे रहता हूँ, शाम में आता हूँ, किसी के जरिए आता हूँ। मैं विकलांग आदमी हूँ, आने जाने का मेरा कोई मुहैया नहीं है। मगर ये बिल्डिंग वाले जो हैं, एक नंबर के मुझसे कह रहे थे कि हमें दे दो, हमें दे दो। मैंने किसी को नहीं दिया ये किराए पर। के लोग कहाँ हैं? मेरे परिवार के लोग ज्वाला नगर में रहते हैं। तो वो परिवार के लोग जो है यहाँ नहीं आके साथ नहीं रहते? नहीं, तो वो सब भाई भाई उनकी फैमिली है, वो लोग अपने पास रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे? अब ये सील हो गया, क्या करोगे? अब मैं नेताजी खड़े हुए हैं, इनसे ही देखता हूँ ये आप क्या कर सकते हैं। ये नेताजी जो है, सब इन्होंने ही कराया, जो भी कुछ कराया है, खुलवाया इन्होंने, बंद भी इन्होंने कराया, तो खुलाएंगे भी यही ना। तो ये जिला अधिकारी क्या प्रशासन अधिकारी थोड़ी है, वो तो अधिकारी काम करता है ना। तो अगर ये कोई एप्लीकेशन देता है, अगर आप किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दोगे तो एक्शन जो है वो प्रशासन ही लेगा, जी नेता ही। हाँ, तो प्रशासन के पास मैं जाऊंगा, उनसे गुहार लगाऊंगा एक दफे कि देखते हैं वो क्या करते हैं, सही हो गलत क्या करते हैं। क्योंकि क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मंडल महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु। उस्मान जी, आज कांशीराम में जो है प्रशासन चेकिंग कर रहा है, क्या मामला है पूरी बात? ऐसा है, बड़े पैमाने पर बिल्डिंगों को, बिल्डिंगदारों को आवाज़ दे दिए गए थे, जो माननीय डीएम साहब से मैंने शिकायत करी है। माननीय डीएम साहब ईमानदार व्यक्ति हैं, जब से डीएम साहब रामपुर में आए हैं तो गरीब की सुनवाई हुई है। इससे पहले जितना भी शासन प्रशासन रहा है वो सब मालदारों का रहा है, गरीब सड़क पर रहा है। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आज गरीब जो है अपने आवासों में जाए, और जो बिल्डर हैं और जो मतलब जो है पेशेवर जो किराया लेने वाले हैं, वो सब बाहर जाएँ सड़क पर। कितने लोगों के खिलाफ आपने जो है शिकायत की है? मैंने जो पूरी कॉलोनी में जितने लोग रह रहे हैं अवैध तरीके से, सभी लोगों के खिलाफ की है, पूरे जिले की कॉलोनियों के लिए की है, कोई यहीं की नहीं की है मैंने। आज क्या कार्रवाई हो रही है प्रशासन? आज कार्रवाई बिल्कुल ढंग से हो रही है, सही कार्रवाई हो रही है। प्रशासन अपनी कार्रवाई सही डंडा चला रहा है, जो गलत लोग हैं उन्हें निकाला जा रहा है, जो सही लोग हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।